पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए गीता का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान में जब गीता थी तो उसे उसके वतन लौटने की बहुत चाह थी, वह उसे हर समय सताती थी। हालांकि इस समय गीता उसके वतन भारत देश में है, लेकिन फिर भी उसकी चाहत अभी पूरी नहीं हुई है। उसे उसके माँ बाप से, उसके परिवार से मिलने की चाह अभी भी सता रही है। इस बात से दुखी गीता भी है, इस बात से दुखी भारत सरकार, विदेश मंत्रालय भी है। विदेश मंत्रालय ने हर संभव कोशिश की है कि उसे उसके माँ बाप से मिलाया जा सके, लेकिन कोशिश की है, सफलता नहीं मिली है, कोशिश जारी भी है। कल शाम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने भारत सरकार के माध्यम से पूरे देशवासी से एक अपील की है कि जो भी गीता के परिवार वाले हैं वो उसे गीता को लेकर चले जाए। गीता के पुनर्वास का पूरा खर्चा विदेश मंत्रालय उठाएगा, साथ ही जो गीता के माँ बाप से मिलाएगा उसे 1,00,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कोशिशें की है लेकिन सफलता अभी मिली नहीं है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आनंद सर्विस सोसाइटी के ज्ञानेन पुरोहित। ज्ञानेन पुरोहित मूक बधिर बच्चों के लिए काम करते हैं। वे मूक बधिर बच्चे जो अपने घर से, परिवार से बिछड़ जाते हैं, ऐसे कई बच्चों को उन्होंने उनके परिवार से मिलाया है। हालांकि उन्होंने ये भी किया है, हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान में जब गीता थी तो भारत के एकमात्र ज्ञानेन पुरोहित जी थे जिन्होंने गीता से बात की थी और उसे भारत लाने की लिए एक आश्वासन दिया था और उसे भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय से बात भी की थी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि विदेश से अपने भारत में आ चुकी है अभी गीता, लेकिन उसे उसके माँ बाप, उसके परिवार तक नहीं पहुँच पाई है, कहाँ कमी पेशी लग रही है आपको? बेसिकली जो टेक्निकल चीज़ थी वो छूटी हुई है। गीता के जो क्लूज थे, जो हिंट्स हैं और जो बातें उसके जहन में थीं, उनको निकाल कर वर्कआउट जो होना चाहिए था टेक्निकली, वो नहीं हो पाया। और वही एक कारण है कि इस कारण से इसके माता पिता का पता नहीं लग पा रहा है। उस पर वर्कआउट किया जाना चाहिए था। इसके अलावा जो पहली बार सुषमा जी ने मुझे याद किया था, मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि मुझे पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ अलग अलग तरह की अनाथालय, अलग अलग संस्थाओं में रही, वहाँ से हमको कुछ हिंट्स मिल जाएंगे, क्लूज मिल जाएंगे। वो पहले जब आई थी तब क्या खाना खाती थी, किस तरह के कपड़े पहनती थी, उसकी किस प्रकार की हैबिट्स थी और लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन उसके बारे में था। लेकिन टेक्निकल रीजंस, सुरक्षा के कुछ कारणों के कारण से शायद ऐसा संभव नहीं हो पाया होगा। तो एक चूक तो वहाँ पर हुई है। दूसरी चूक यही हुई है कि जब गीता आई थी तो तत्काल तब से टेक्निकली वर्कआउट किया जाना था, वो आज तक मिसिंग है। टेक्निकल जो वर्कआउट किया जाना था उसमें कहीं ना कहीं कमी पेशी नज़र आ रही है, इसी वजह से गीता के अभी तक माँ बाप नहीं मिले हैं। पुरोहित जी, हमें जहाँ तक याद है कि जब आप एक पहले मात्र व्यक्ति है जिसने गीता से पाकिस्तान में स्काइप एप्लीकेशन के माध्यम से बात की थी, जब आपसे बात हुई थी तो गीता का ने आपको क्या बताया था, किस तरह से वो आपसे बात कर रही थी, ये हमें बताइए। सबसे बड़ी चीज़ तो सर ये है कि गीता से जो हमारा लगातार इंटरेक्शन रोज़ होता था स्काइप वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो वो बहुत खुश थी कि जब इंडिया आएगी तो उसके ऑलरेडी प्रयास करने वाले लोग उपस्थित हैं, उनसे उसका वार्तालाप हो रहा है, उनके साथ रेपो बिल्डिंग हो चुकी है। तो वो बड़े आत्मविश्वास से लबरेज थी, उसको लग रहा था कि अब इंडिया बस पहुंचना भर है और उसका घर बहुत जल्द मिल जाएगा। वो जो उसकी आशा की किरणें थीं, वो जो उसके अंदर आशा थी वो पूरी नहीं हो सकी। किन्हीं कारणों से मुझे मेरी मुलाकात गीता से नहीं हो पाई पिछले 2 वर्षों में, शायद उस चीज़ को भी आज वो मिस कर रही है। और वो जो उसकी आशा भरी निगाहें थीं, यदि आप उसके फ़ोटो को या चित्र को देखेंगे तो पाएंगे कि जब वो आई थी तो उसकी आँखों में एक अलग तरह का नूर था, एक आशा की किरणें जागृत थीं। और आज के उसमें वह बहुत दुखी व्यथित है, क्योंकि माता पिता मिलना ये एकमात्र टारगेट लेकर वो हिंदुस्तान आई थी, आज वो उनको मिस कर रही है, वो एक बड़ा ही दुखद पार्ट है। सर, आपको क्या लगता है भारत सरकार को और भारत के नागरिकों को और हम सभी को क्या करना चाहिए जिससे गीता उसके परिवार तक पहुंच सके, उसके माँ बाप से मिल सके?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुषमा स्वराज जी ने, जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि ज्ञानेंद्र जी, हम इसको दिल्ली लाएंगे और आपको हम हैंडओवर करेंगे आपकी टीम को, और आप इसकी बात को समझ के टेक्निकली क्या क्या क्लूज और हिंट्स के, जिस तरह से आप कई और गुमे हुए मुकबधिर बच्चों को पहुंचा चुके हैं उस तरह से आप वर्कआउट करिएगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाई एक्सरसाइज़। यदि वो एक्सरसाइज़ तब हो जाती तो काफ़ी कुछ अच्छा होता। अब वास्तव में यदि कुछ प्रयास वापस से करना है तो वही जो सुषमा जी की बात थी, मैं उसको फिर रिपीट करूँगा कि इसको वापस दिल्ली में रखा जाए। मेरे जैसे कई लोग तैयार हैं वॉलंटियरशिप करने के लिए, और अभी भी संभावना है कि उसके माता पिता को हम ढूंढ सकेंगे, और पूरा प्रयास होगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि नियति ने कुछ इस तरह से लोगों को जोड़ा है, चाहे हमारे माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी हैं, चाहे मीडिया है, जैसे मीडिया ने बजरंगी भाईजान का जो रोल अदा किया है उसको पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने में, मुझे लगता है कि मीडिया की इस पहल से और आगे ये प्रयास हो सकता है कि उसको उसके माता पिता का घर मिल सके, और यहीं पर टेक्निकली वर्कआउट करने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी, जिन्होंने हमें बताया कि अभी भी समय है, यदि वो और उनके जैसे तमाम और लोग हैं जो मिलकर गीता के लिए एक बार फिर प्रयास करेंगे तो वो उसके घर तक पहुंच जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ राहुल दवे, MP न्यूज़।